नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में अंडे की दुकान संचालक पर फायरिंग कर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घमापुर पुलिस के मुताबिक गोपाल होटल के पास निवासी किशोर उर्फ जानू चांदवानी ने 10 जनवरी को शिकायत दी थी कि वह बाबा अंडे की दुकान के नाम पर दुकान संचालित करता है, गुल्लू रजक सट्टा खिलाने का काम करता है। लगभग 4 दिन पहले गुल्लू का सट्टा पकड़ गया था, जिसमें गुल्लू को उस पर संदेह था। शाम को गुल्लू ने फोन पर धमकी दी थी और रात को जब वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर बात दुकानदारी कर रहा था, तभी गुल्लू अपने साथी के साथ बुलेट से आया और पिस्टल से उस पर गोली चला दी। गोली उसकी जांघ में लगी। वहीं टीम को मंगलवार रात सूचना मिली कि चांदमारी टेस्टिंग रोड में दबिश देकर गुल्लू उर्फ रोहित रजक अपने साथी विशाल उर्फ प्रिंस चौहान क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह दोनों घटना को अंजाम देकर बरगी भाग गए थे। आरोपियों के पास से पिस्टल, 2 कारतूस और बुलेट जब्त की गई है। बताएं क्या मामला था और ये कहाँ का था? दिनांक 11/1/23 को गोपाल होटल के पास के रहने वाले हैं जानू किशोर चांदवानी, घायल अवस्था में थाना आए थे और बताया कि इनके पैर के पास में गोली मारी है। इन्हें तत्काल पहले हॉस्पिटलाइज किया गया विक्टोरिया अस्पताल में और वहीं पर इनकी रिपोर्ट लिखी गई थी। धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था। इनके पड़ोस में रहने वाला गुल्लू रजक और उसका साथी विशाल पप्पू चौहान, इसमें से गुल्लू है, उसको इस पे शक था कि पुलिस की मुखबिरी करता है, इसी बात को लेकर उसने जानवर गोली मारी थी। इसमें दोनों ही आरोपियों को रात में गिरफ्तार किया है सिद्धवाड़ा से और उनसे वारदात में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो बरामद हुई है। जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस बुलेट से उनमें भागे थे वह भी बरामद हुआ है। आरोपियों की पुलिस मार दी जाए। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।